हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, जिसमें कि हम साइंस में फिजिक्स का एक टॉपिक करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये जो कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तीन टर्म्स आपस में रिलेट करती हैं, बट उनमें जो डिफरेंसेस है ना, उनके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म हमें दे रखी है वर्क। वर्क क्या होता है? सेकंड एनर्जी, और फिर है पावर। तो वर्क क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, देन वर्क इज सेड टू बी डन। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट जूल्स। देखिए, वर्क क्या होता है, जैसे कि एक बॉडी है, मानिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने एक प्लेस पे या इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, पुश किया या पुल किया, जो भी किया, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करी। अब जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, ऐसे ही सेट कि इसको या तो आप आगे डिस्प्लेस कर सकते हैं या पीछे, मीन्स जिस भी डायरेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ है उसमें आपने फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये जो बॉडी है या ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसी चीज़ को हम वर्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाए आपसे कि कोई एक पर्सन है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन आप इमेजिन करिए, और उसने 30 kg वेट जो है ना अपने सर के ऊपर होल्ड किया हुआ है, किसी भी पर्सन ने, और उस पर्सन की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है, वो जहाँ है वहीं की वहीं वो खड़े हुए हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ऐसी सिचुएशन में वर्क डन हुआ है? तो नहीं हुआ है। देखिए, जितना मर्जी वेट ऊपर इंसान लेके खड़ा हो, तो उस सिचुएशन में जब तक प्लेस जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा, यानी कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी है, ये इनकी जो पोजीशन है वो आगे या पीछे थोड़ी बहुत भी चेंज नहीं होगी, तब तक वर्क डन नहीं कहलाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब वर्क डन की ना डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती, आपको रैंडम एग्जांपल दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि बता दो इस सिचुएशन में वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट जूल्स है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट होता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है, सेम ऐसे ही जो वर्क डन है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकता है। मींस कि धनात्मक भी हो सकता है वर्क डन, ऋणात्मक भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। अब ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर, कि आपने जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है गाइस, वर्क के बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी चीज़ को करने की, कोई भी बॉडी है उसकी कुछ काम करने की जो कैपेसिटी है ना, उसको हम एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पर्टिकुलर, आपको अच्छे से डाइट नहीं मिलती, अच्छा हेल्दी फूड आप नहीं खाते, तो आपकी बॉडी में ना आपको बहुत वीकनेस फील होती है, एनर्जी का लेवल बहुत कम हो जाता है उस सिचुएशन में ना, आपसे ज़्यादा काम नहीं होते, आपकी जो एफिशिएंसी वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते हैं, तो उसके थोड़े टाइम के बाद में ना आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है, एक्टिवनेस फील होती है। सेम चीज़ ऐसे ही, आप बहुत टाइम से सोए नहीं, आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत कम हो जाता है, और आपको ना बहुत थकान सी फील होती है, आप में एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइम पर भी जो आपकी काम करने की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। यही चीज़ हमें बता रखी है कि जो एनर्जी है किसी भी बॉडी की, वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगेन, वर्क की तरह एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट भी क्या है, जूल्स है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, एनर्जी जो है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, और अलग अलग तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए सोलर एनर्जी, जो सूर्य ऊर्जा है वो किससे मिल रही है, वो सन से जनरेट करी जाती है। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, ये भी, इनको जब जलाया जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इनसे कौन सी एनर्जी है आपने पढ़ी होंगी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सब चीज़ें इनकी देन है फॉसिल फ्यूल्स की। तो जो जीवाश्म ईंधन है इनको बर्न करके हमें एनर्जी मिलती है। वाटर का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा कि वाटर जो है उससे एनर्जी मिलती है, हवा, विंड मिल जो होती है वहाँ से एनर्जी, टर्बाइंस जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एनर्जी की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर वाले कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।